please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के एक कार्यक्रम में कमर जावेद बाजवा ने सीमा पर जवानों की कुर्बानी का बदला लेने की कसम खाई है। बाजवा ने पाकिस्तान के रक्षा दिवस के मौके पर भारत को ये गीदड़ भभकी दी। बाजवा ने ये कहा कि पाकिस्तान सीमा पर बहे हर जवान के खून का वो बदला लेंगे। तो पाकिस्तान आर्मी चीफ की भारत को ये गीदड़ भभकी, अपने रक्षा दिवस के मौके पर पाकिस्तान आर्मी चीफ की तरफ से ये बात सामने आई है कि जवानों की कुर्बानी का हर बदला लेंगे। संदीप बोल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप, एक गीदड़ भभकी से ज्यादा कुछ और नहीं है ये? बिल्कुल, गीदड़ भभकी भी है और दूसरा जो है एक बौखलाहट भी है। लगातार जिस तरीके से भारतीय सेना ऑपरेशन कर रही है आतंकवाद के खिलाफ, और खासतौर से कि उस वक्त जब पाकिस्तान की सेना जो है इलेक्शन से हटने के बाद अब दोबारा से अपने आप को एक्टिवेट कर रही है सीमा पर, और वहां पे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो जिस तरीके जवाब जनरल बाजवा की तरफ से आया है, उन्होंने इसी तौर पर दो जंग की बात की, 1965 और 1971 की जंग की बात करते हुए वहां पे जो है शहीदों को जो है उनके कसीदे पढ़ रहे थे। साथ ही 70,000 लोगों के शहीद होने की बात करते, लेकिन उन्होंने करगिल युद्ध की जो है बिल्कुल जिक्र नहीं किया। जब लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से उनको फंड भी रोक दिए गए हैं। तो सीधे तौर पर ये बौखलाहट है, और इस तरीके की ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके का बयान जो है दिया है। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ एक बौखलाहट, एक गीदड़ भभकी जो पाकिस्तान आर्मी चीफ की तरफ से भारत को दी गई है। शुक्रिया संदीप। बात करेंगे पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर हुए इजाफे की। दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 48 पैसे और डीजल में 52 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। यानी दिल्ली में पेट्रोल अब 80.05 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, जबकि डीजल 72 रुपए के पार हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम में 48 पैसे जबकि डीजल के दाम में 56 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में पेट्रोल अब 87.45 रुपए मिलेगा, जबकि डीजल 76.57 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। तेल की कीमतें बढ़ने से जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ये सरकार की पॉलिसीज हैं जो मिडिल क्लास लोगों के लिए हमेशा ओरिएंटेड होना चाहिए, तो उनको ये उन्हीं की पॉलिसीज़ है, पर उनको मिडिल क्लास को ध्यान में रख के कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और ये सब वो कर सकते हैं इफ़ दे आर विलिंग टू डू सो। पेट्रोल पे डेली बढ़ रहा है, कम होना चाहिए, असर पड़ रहा है पूरा इस पर। तो जो हमारे डेली के चलने वाले हैं, तो जितना भी है घर में खर्चे पे सीधा असर पड़ता है पेट्रोल डीजल से। मैं क्या बोले, गरीब आदमी कैसे जिएगा? गरीब आदमी को डेली महंगाई बढ़ रहा है, चावल का कभी बढ़ रहा है, कभी पेट्रोल का बढ़ रहा है। मोदी सरकार आया तब से बर्बाद कर डाला देश। क्या चीज़ को गरीब आदमी को क्या चीज़ का मिल रहा है सुविधा? कोई चीज़ का सुविधा मिल रहा है क्या? गरीब हमारे जैसा गरीब आदमी तो मर रहे हैं ना। क्या करेंगे, सरकार उसकी है, कुछ भी कर सकते हैं। 100 रुपया भी कर सकते हैं। अभी तो 40 पैसा बढ़ाया, अभी 87.40 पैसा हो गया है एक्चुअली रेट आज। इससे पहले तेल के बढ़े दामों पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने सरकार को घेरते हुए एक ट्वीट किया कि मई 2014 में क्रूड ऑयल के दाम 106.24 डॉलर प्रति बैरल था, तब पेट्रोल की कीमत 71.41 रुपए थी। सितंबर 2018 में क्रूड ऑयल के दाम जब 73-77 डॉलर प्रति बैरल है, तब पेट्रोल 79.31 रुपए में है। देश के लोग बहुत तकलीफ में हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमतें गिर गई थी, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने लोगों को राहत नहीं दी, बल्कि कीमतें बढ़ती गई। ये सेंट्रल एक्साइज बढ़ाते गए और जो और भी टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो बढ़ती गई। मुनाफाखोरी इस सरकार ने की है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ दीपक बिष्ट हैं, जबकि मुंबई से हमारे साथ दिवाकर सिंह हैं। सबसे पहले हम देश की राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। दीपक, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब हम और आप 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल भरवा रहे होंगे, मतलब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं तेल की कीमत। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से अभी तक जो हालात थे, लगभग एक हफ्ते से लगातार तेल में बढ़ोतरी हो रही थी, पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 20-22 पैसे इस तरह से बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन जो आज का रेट का दाम है, क्योंकि
80.05 पैसा यहाँ पर आज बढ़ा है। तो ये सोच लीजिए कि 48 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल में हुई है, वहीं डीजल में 52 पैसा डीजल बढ़ा है, 72.12 पैसा आज हो गया है। तो यहाँ पर मैं पेट्रोल पंप में हूँ, आप देख सकते हैं खाली है पेट्रोल पंप इस वक्त। ये भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर अमूमन पेट्रोल पंप में भीड़ रहती है, लेकिन अब यहाँ पर पेट्रोल पंप में कोई तेल भरवाने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है, क्योंकि 80 रुपये लोगों ने सोचा नहीं था, अब लोग सरकार को कोस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों की आवाजाही जो बाइक से होती थी, क्योंकि अमूमन मध्यम क्लास वर्ग का जो इंसान होता है वो अपनी बाइक से इधर उधर जाता है, लेकिन आज उन लोगों की बाइक भी खड़ी है, लोग मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं और लोगों की काफ़ी शिकायतें हैं, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से दाम बढ़े हैं तो उसके बाद लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या वो गाड़ी चला पाएंगे या नहीं, क्या वो गाड़ी आने वाले टाइम में चला पाएंगे, क्या राहत आने वाले टाइम में मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर है। लेकिन दिवाकर, पिछले 10 दिनों में अगर देखें तो तेल के दामों में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। मुंबई की अगर बात करें तो वहाँ क्या है आज का रेट? देखिए, जिस तरह से पेट्रोल के दाम हमारी बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र और साथ साथ उसकी राजधानी मुंबई पर पड़ रहा है। मुंबई में आज जो रेट है वो 87 रुपये को पार कर चुका है, जबकि डीजल का जो रेट है वो 76 रुपये तक पार कर चुका है। मेरे पीछे एक पेट्रोल पंप है, देखिए पूरा सन्नाटा नज़र आ रहा है और सिर्फ इक्के दुक्के लोग जो है पेट्रोल भराने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं लगातार, उससे लोगों के लिए 2-व्हीलर चलाना, 4-व्हीलर लेके चलना मुश्किल हो रहा है। लोग लोकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अन्य ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग पेट्रोल भराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है, जो बजट था कितना बिगड़ गया है आपका, क्योंकि पहले क्या कम लगता था अभी कितना ज़्यादा लग रहा है? अभी तो बहुत ज़्यादा लगे, क्योंकि अभी जितना एडजस्ट नहीं होता था वो एडजस्ट के बाहर जा रहा है, जो अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अभी रोज़ का एवरी डे बढ़ रहा है, क्योंकि कम तो हो रहा है ना, कम की बात ही तो बात ही नहीं, कोई चीज पेट्रोल की तो बात आसमान भी बढ़ रही है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? अभी तो आपकी तो पता है, अभी जो सरकार चल रही है सरकार तो सोचना चाहिए, गरीब लोग के बारे में सोचना चाहिए और कुछ नहीं सुन। देखिए, दो एक लोग और हैं, मैं उनसे दीमानी बात करता हूँ। आप बताइए, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आप बाइक का इस्तेमाल करते हैं ऑफिस जाने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए, कितनी दिक्कत हो रही है पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा दाम हो जाने से? दाम हो जाने से तो दिक्कत तो है, अभी इकोनॉमी तो हम लोग के घर की भी बजट हिला हुआ है, जैसे जहाँ पे 1500 रुपया लगता था महीने का, वहाँ पे 2500 रुपया लग रहा है, तो 1000 रुपया कहीं ना कहीं तो हम लोगों का बचता था, अब वो तो 1000 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है, तो बचने का तो कोई उम्मीद नहीं है अभी नेक्स्ट। अब तो इलेक्शन भी आने वाला है नेक्स्ट ईयर में, तो अभी इलेक्शन के लिए तो इन लोग तो बढ़ाते बढ़ाते लगता है 100 रुपये तक पहुँचा देंगे, फिर जब इलेक्शन का टाइम आएगा तब 2-5 रुपये कम कर देंगे, पब्लिक को खुश कर देंगे और पब्लिक जो है वो इनको वोट दे देगी। बस यही पॉलिटिक्स चल रहा है, पॉलिटिक्स ही चल रहा है। हमारे देश से जो ऑयल जा रहा है दूसरे देशों में, वहाँ पे सस्ते में जा रहा है और हम लोगों को महंगे में मिल रहा है, जबकि रिफाइनरी सब हमारे यहाँ से होके जा रही है। जाहिर सी बात है, लोगों को मैं गुस्सा हिमानी साफ तौर पर। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शिवसेना जो सहयोगी है केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, उसने एक पोस्टर लगाया है, देखिए यही है अच्छे दिन करके बीजेपी सरकार, जो केंद्र की सरकार है मोदी सरकार, उस पर ऊपर टारगेट किया है। आप देखिए, वर्ष 2015 में जो रेट थे उसको शिवसेना ने दिखाया और 2018 में जो रेट है उसको शिवसेना ने दिखाया। तो जाहिर सी बात है, विपक्षी दलों के साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं सरकार में, वो भी लगातार सरकार पर टारगेट कर रही है पेट्रोल के दामों को लेकर, क्योंकि जिस तरह की कीमत बढ़ रही है, मुंबई में सबसे ज़्यादा दाम जो इस समय है 87 रुपये का, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का परभणी जिला जो है वहाँ पे 88 रुपये को पार कर गया। तो जाहिर सी बात है कि जो ये दाम है हमारी कहीं ना कहीं आने वाले, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इसे इसके साथ इतना स्मार्टली आप नहीं खेल सकते। लेकिन दिल्ली में अगर पेट्रोल के दाम की बात करें तो ये पिछले 9 महीने में 9 रुपये तक महंगा हुआ है। जनवरी की अगर बात करें तो जनवरी में पेट्रोल के दाम 69.99 रुपये प्रति लीटर रहे, जबकि फरवरी में ये दाम बढ़कर 71.51 रुपये प्रति लीटर हो गए। मार्च में भाव 73.55 रुपये, अप्रैल में 74.63 रुपये, तो मई में 78.35 रुपये, जबकि जून की अगर बात करें तो 75.55 रुपये हुए। फिर आगे बढ़ते हैं, जुलाई की बात करते हैं, 76.51 रुपये हो गए। अगस्त में ये बढ़कर 78.52 रुपये प्रति लीटर हो गया और सितंबर में दाम अब 79.99 रुपये, मतलब आप 80 लगा लीजिए यहाँ पर एक अराउंड फिगर, यहाँ पर प्रति लीटर अब ये पहुंच गए। दिल्ली में डीजल के दाम की बात करें तो पिछले 9 महीने में ये 12 रुपये तक महंगा हुआ है। जनवरी में 1 लीटर डीजल की कीमत 69.70 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, जो कि फरवरी में बढ़कर 62.15 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई। मार्च में डीजल के भाव 64.40 रुपये प्रति लीटर, अप्रैल में 65.93 रुपये, मई में 69.25 रुपये, जून में 67.38 रुपये, जुलाई में
82 पैसे, अगस्त में बढ़कर 71 रुपए 21 पैसे हो गया, जबकि सितंबर में भाव 72 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है डीजल। तो पिछले कुछ सालों के पेट्रोल से सरकार की कमाई के आंकड़ों पर भी अब नजर डाल लेते हैं। साल 2014 और 15 के बीच सरकार को पेट्रोल से 1,72,000 करोड़ की कमाई हुई। साल 2015 और 16 में ये बढ़कर 2,53,000 करोड़ हो गई और 2016-17 की बात करें तो ये 3,34,000 करोड़ हो गई थी। आप जो पेट्रोल खरीदते हैं वो किस तरह से बाजार से आपको मिलता है, जरा ये भी आपको बता दें। दिल्ली के रेट के मुताबिक डीलर पेट्रोल 39 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर खरीद रहा है। पेट्रोल पर डीलर का 3 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर कमीशन है, जबकि सरकार की ओर से पेट्रोल पर 19 रुपए 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी लग रही है। दिल्ली में पेट्रोल पर 17 रुपए 2 पैसे वैट लग रहा है। 1 लीटर पेट्रोल पर कुल 36 रुपए 50 पैसे टैक्स लग रहा है। ग्राहक को अभी दिल्ली के रेट के मुताबिक 80 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल के बाद अब बात कर लेते हैं डीजल की। आप जो डीजल खरीदते हैं वो किस तरह से बाजार से आपको मिलता है। दिल्ली के रेट के मुताबिक डीलर डीजल 43 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर खरीद रहा है। डीजल पर डीलर का 2 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर कमीशन है। सरकार की ओर से डीजल पर 15 रुपए 33 पैसे एक्साइज ड्यूटी लग रही है। दिल्ली में डीजल पर 10 रुपए 60 पैसे वैट लग रहा है। 1 लीटर डीजल पर कुल 25 रुपए 95 पैसे टैक्स लग रहा है। ग्राहक को अभी दिल्ली के रेट के मुताबिक 72 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर डीजल मिल रहा है। अब पेट्रोल पर अगर टैक्स की बात करें तो अभी दिल्ली में पेट्रोल पर कुल टैक्स 40 रुपए लगता है। इसमें एक्साइज और वैट 36 रुपए है, यानी एक्साइज और वैट 90% लगता है। अगर पेट्रोल पर 28% जीएसटी लगे तो इसमें 11 रुपए का टैक्स बनेगा और बचत 25 रुपए की होगी। इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों कैलाश मानसरोवर यात्रा पर हैं। राहुल लगातार वहां से तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं, लेकिन पहली बार राहुल गांधी के खुद का एक वीडियो सामने आया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कैलाश मानसरोवर की पहाड़ियों का वीडियो भी ट्वीट किया और लिखा कि शिव पूरे ब्रह्मांड में है। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह से देखा जाए इन चीजों को, हालांकि छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन फिर भी कई मायने हैं इसके। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे तब उन्होंने कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा पैदल चलना चाहते हैं और यही ये दर्शाते भी हैं। जितने भी वीडियो आ रहे हैं या तस्वीरें आ रही वो दिखाते हैं किस तरह से यात्रियों के साथ जो उनके यात्री हैं कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं उनके साथ उनसे घुल मिल करके कैंप के बाहर वो बातचीत कर रहे हैं। तो एक तरह से वहां भी लोगों से उनका मिलना जुलना संवाद कायम है और ये जो वीडियो आ रही है वो दिखा रहा है कि राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए। बहुत ही हाई एल्टीट्यूड है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो सहज नजर आ रहे हैं, स्वस्थ नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो फिटनेस को लेकर के अपने काफी वो संजीदा रहते हैं और वो फिटनेस दिल्ली में जब वो साइकिल चलाते हैं, जिम करते हैं और एक तरह का एक जो है कराटे क्लास में भी वो जाते थे, उन सब का असर दिख रहा है कि राहुल गांधी की दाढ़ी भले ही बढ़ी हुई हो लेकिन उनका चेहरा प्रफुल्लित नजर आ रहा है और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान वो थके हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि राहुल गांधी काफी पहले से तैयारी कर रहे थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए। जब उन्होंने घोषणा की थी उसके बाद से ही शायद वो इसमें जुट गए थे और उसका असर दिखाई दे रहा है कि इतनी ऊंचाई पर भी वो बहुत ही कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। हालांकि अरुण, सोशल साइट पर जब इन्होंने वो तस्वीरें शेयर की थी तो तब दर्शकों ने ये भी कहा था कि सर ये तो हम बहुत देख चुके हैं, कुछ अपनी तस्वीर भी आप डालिए, और उसी के बाद अब ये वीडियो सामने आया है। देखिए, तमाम यात्री जो उनके साथ वहां पर गए हुए हैं वो भी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं अपने फेसबुक से, ट्विटर अकाउंट से, क्योंकि राहुल गांधी एक जाना पहचाना चेहरा है हिंदुस्तान के अंदर और जो लोग भी उनके साथ गए हैं वो उनके साथ न सिर्फ सेल्फी ले रहे हैं बल्कि उनकी तस्वीरें भी ले रहे हैं और राहुल गांधी खुशी खुशी हर व्यक्ति के साथ और जो भी उनके यात्री साथ गए उन सबके साथ तस्वीरें खिंचवा भी रहे हैं। तो एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी भी वो लोगों से मिलने जुलने और एक जो कठिन रास्ता उसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश लोगों से घुल मिल करके कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अरुण, विवाद भी जरूर रहे उनके जाने से पहले भी कि आखिर वो इस रूट के जरिए आखिर क्यों जा रहे हैं, या फिर अगर वो यहाँ पर गए उन्होंने क्या खाया, क्या किया, क्या नहीं किया, ये तमाम चीजें भी रही। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि कांग्रेस की छवि यही बन गई थी कि हिंदुत्व को पूरी तरीके से उसने छोड़ दिया था या हिंदूवादी राजनीति को छोड़ दिया था और एंटनी कमेटी ने भी माना था कि अल्पसंख्यक परस्त उसकी नीति आती है और बीजेपी का एक अधिकार एक तरह से हिंदुत्व की राजनीति पर हो गया था। अब राहुल गांधी अगर उस
उस स्पेस को लेने की कोशिश करेंगे, अगर वो मंदिर जाएंगे, अगर वो शिव की भक्ति करेंगे, अगर वो रुद्राक्ष की माला पहनेंगे, अगर वो पूजा पाठ करेंगे, तो जाहिर सी बात है सियासत होगी, बीजेपी हमला उन पर करेगी। और वही संबित पात्रा ने किया कि वो चीन के रास्ते क्यों जा रहे हैं, हालांकि बाद में वो नेपाल के रास्ते गए, चूंकि कैलाश मानसरोवर का जो इलाका है वो तिब्बत और चीन, तिब्बत अब चीन के अंडर ही है तो चीन तो जाना ही पड़ेगा, इस तरह के सवाल उठेंगे। और एक चूंकि सियासी व्यक्ति अगर कोई धार्मिक यात्रा पर जाता है तो सियासत उस पर न हो ऐसा संभव नहीं, और वही हो रहा है जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि वहां गए थे दर्शन करके चुपचाप चले आते और यहां पर बताते वहां से किस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी वो कर रहे हैं, जो तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं या जो जो शब्द में ट्वीट कर रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल आदमी की यात्रा न उसके नजरिए से गैर पॉलिटिकल हो सकती है और न ही अपोजिशन के नजरिए से गैर पॉलिटिकल हो सकती है। शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कई इलाकों में बाढ़ का पानी भरने के बाद कुछ लोग नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। उन्नाव के अलावा फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर के निचले इलाकों में भी गंगा का पानी भरने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन गंगा में आई बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही उन्नाव में मचाई, जिसके बाद लोग नाव के सहारे आने जाने को मजबूर दिखाई दिए। गंगा किनारे बसे कई गांव इसी तरह बाढ़ में पूरी तरह से डूब गए हैं और हजारों बीघा फसलें बर्बाद हो गई है, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ का पानी बढ़ने से लोग अपने मवेशी छोड़कर जाने को मजबूर दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग अपने मवेशियों के साथ बाढ़ का पानी उतरने तक सुरक्षित जगहों की तलाश में जुट गए। इस बीच प्रशासनिक अधिकारी लोगों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराने में जुट गए और बाढ़ से परेशान लोगों को ऊंची जगहों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा उन्हें राहत सामग्री बांटी गई, लेकिन बाढ़ से परेशान लोगों ने खाने पीने की चीजें ना मुहैया करवाने का आरोप भी लगाया। तो उन्नाव की तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं कि किस तरह बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। ये देखिए मवेशियों की तस्वीर में हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि फंसे हुए हैं वो भी जगह जगह इस बाढ़ के पानी में, और लोग मजबूर हैं अपने मवेशियों को छोड़कर खुद सुरक्षित जगहों पर पहुँचने के लिए, कि ताकि वो खुद तो पहले सुरक्षित जगहों पर पहुँच जाएं। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जो गंगा का पानी है वो आफत बन गया है उन्नाव के लोगों के लिए। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला में कल रात से हो रही बारिश के साथ ही कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं, वहीं सड़कों पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। शिमला में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जबरदस्त बारिश ये हो रही है, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कल रात से ही भारी बारिश हो रही है और ओले भी गिरे हैं, सड़कों पर मलबा आ जाने से यातायात भी प्रभावित हुआ है, कई कई घंटों का यहाँ जाम भी लग रहा है, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि लोग जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं और जो लोकल लोग हैं उन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं। जबरदस्त बारिश, न सिर्फ बारिश बल्कि बारिश के साथ जबरदस्त ओले भी यहां गिरे, जहां तहां ट्रैफिक जाम है, लोग फंसे हुए हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो भी परेशान हैं। यात्रियों के लिए कुछ थोड़ी सी मौज मस्ती का ये समय हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की बारिश वहां देखने को मिल रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को खासी दिक्कत है और यात्रियों को भी, क्योंकि ट्रैफिक जाम से उनको दो चार होना पड़ रहा है। और अब बात बिहार के मुंगेर की, यहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से मुंगेर के करीब 12 गांव इस बात की चपेट में आ गए हैं। पानी के तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। केंद्रीय जल आयोग की जानकारी के मुताबिक
मुंगेर में गंगा का जलस्तर 38.58 मीटर तक पहुंच चुका है। पानी का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं क्योंकि उनके सामने अब रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। परेशानी बढ़ा दी है इस बढ़ते जलस्तर ने, पानी का तेज बहाव, बढ़ता जलस्तर। देखिए आप किस तरह से जो घर हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। केंद्रीय जल आयोग की जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक मुंगेर में गंगा का जलस्तर 38.58 मीटर तक पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है कि जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएं, कहाँ जाने से भी ज़्यादा रोजी रोटी की समस्या उनके आगे खड़ी हो गई है। जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं उनके आगे एक बड़ी समस्या ये है कि आखिर क्या करें, किस तरह से घर चलाएं। घरों में पानी भर चुका है, सामान खराब हो चुका है, बच्चों को क्या खिलाएं, अपने घरों को छोड़कर अगर जाएं भी तो कहां जाएं, कोई साधन उनके पास इस तरह से नहीं है। करीब 12 गांव बताए जा रहे हैं मुंगेर के जो कि बाढ़ की चपेट में है। बिहार के ही छपरा की बात करें तो यहां सरयू नदी उफान पर है। छपरा में बाढ़ जैसे हालात यहां भी देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है, फैल रहा है। वहीं छपरा के प्रभुनाथ सिंह कॉलेज का कैंपस भी चारों तरफ से पानी पानी हो गया है। सरयू के बढ़े जलस्तर और निचले इलाकों में घुसे पानी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। ये उसी कॉलेज परिसर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये पानी जल्द से जल्द खत्म हो, सूखे, फिर उसके बाद जो जिंदगी है वो सामान्य हो पाए। यहाँ कॉलेज कैंपस में पानी घुस गया है जिस वजह से दिक्कत हो रही है। कुछ लोग यहाँ वीडियो भी बनाते नजर आए इस बीच।